आतंकवादियों को जी साहब मिस्टर ये कहने का अपना अलग ही अंदाज है और एक रुआब है। जी हाँ, ऐसा हमने बहुत सुना है कि बहुत से नेता आतंकियों को जी और साहब कहकर संबोधित करते हैं, जिससे देश के सेना का और लोगों का मनोबल गिरता है। परंतु इसके कहने के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद जरूर होता है। किसी न किसी वोट बैंक पर, किसी न किसी वोट के एक तबके पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। परंतु क्या इस तरह के वोट बैंक बनाना एक सभ्य समाज को भारत जैसे देश में शोभा देता है? जी हाँ, हम बात करते हैं आज ही के दिनों में वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में, जिसमें राजद के नेता, जी हाँ राष्ट्रीय जनता दल के नेता, आतंकी मसूद अजहर को मसूद अजहर साहब बुला रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं इस खबर को विस्तार से और हम वीडियो भी देखेंगे जिसमें वो ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने के लिए मसूद अजहर साहब को चीन ने वीटो लगाया। चीन वीटो लगाया कि वो आतंकवादी नहीं है और वो इंटरनेशनल आतंकवादी के लिस्ट में नहीं आया। अभी तक कोई भी बता सकते हैं कि चीन के खिलाफ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक लफ्ज बोल रहे हैं क्या? क्या ये कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ का जो सालाना आमदनी जो चीन के पास जा रहा है हमारे इंडिया से, उसको रोकने के लिए क्या आज तक किसी नेता ने बोला है कि चीन का हम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो मूर्ति बना वो चीन के बने, 3,500 करोड़ जो उसमें लगा वो चीन आके बनाया? तो चीन के खिलाफ में वो नहीं बोलेंगे। बोल रहे किसके खिलाफ में? जिसको कोई दम नहीं है। 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ का मेरा एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान हमारे सामने में क्या है? 1 घंटा नहीं लगेगा पाकिस्तान को तबाह की बात करने में, हिंदुस्तान को। लेकिन बार बार हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और चीन हमारे सामने में खड़ा है। चीन की बात करो। लोकसभा चुनाव में नेताओं के बेतुके बोल का सिलसिला जारी है। मामला बिहार का है। यह ताजा मामला सामने आया है जहां राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के एक विधायक ने जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को चुनावी मंच से साहब तक बता डाला। हैरानी की बात यह है कि उस दौरान मंच पर आरजेडी और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। जी हां, तेजस्वी यादव जो लालू यादव के सुपुत्र हैं और आरजेडी में बताया जा रहा है कि वो लालू यादव के उत्तराधिकारी भी हैं। किशनगंज में सभा के दौरान आरजेडी विधायक हाजी सुबान का वीडियो सामने आया है। वीडियो में हाजी सुबान कह रहे हैं कि इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने के लिए मसूद अजहर साहब को चीन ने वीटो लगा दिया और यह बता दिया कि मसूद अजहर साहब एक आतंकी नहीं है। परंतु भारत ने चीन का कुछ नहीं किया। चीन पर ना ही तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का प्रयास हुआ और ना ही प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ बोल सके। इस बात को लेकर हाजी सुबान ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला है और लताड़ लगाई है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री चीन के मामलों पर चुप रहते हैं, जबकि पाकिस्तान के मामलों में मुखर होकर सामने आते हैं। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक का यह वीडियो 29 मार्च का बताया जा रहा है। इस साल के 14 फरवरी को पुलवामा में हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। 3 साल पहले पठानकोट और 2001 में संसद समेत कई बड़े आतंकी हमलों में जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नाम सामने आया है और ऐसे आतंकी को जी कहकर पुकारना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और लोग इसके लिए नेता को, विधायक को, आरजेडी को काफ़ी भला बुरा कर रहे हैं। बता दें कि बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट जहां का यह वीडियो है वो सीट मुस्लिम बहुल है और यहां से बीजेपी जेडीयू के गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जेडीयू के महमूद अशरफ को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां दूसरे चरण के मतदान 18 अप्रैल को होना है। गठबंधन के तहत यह सीट बीजेपी ने जेडीयू को दिया था और महागठबंधन में यह सीट आरजेडी के पाले में है। तो रिजल्ट क्या होगा यह तो आने वाला वक्त और चुनाव ही बतलाएगा। परंतु इस तरह के बयान से सिर्फ और सिर्फ फायदा अगर किसी को है तो आतंकी संगठनों का, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ता है और हमारी सेना का मनोबल गिराने का काम ये छोटे नेता करते हैं। रेबेलियन वॉइस में अब तक के लिए नमस्कार।